ये सदन उच्च कोटि की मर्यादाओं का सदन रहा है। आप किसी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। आई एम टॉकिंग ओनली टू अडॉप्ट लीगली साउंड रैशनल अप्रोच। सदन की कार्रवाई को व्यवधान करते हैं, बाधित करते हैं, नियोजित तरीके से बाधित करते हैं, ये उचित नहीं है। दिग्विजय सिंह जी इज इन ब्लैक टुडे बट अदर्स आर नॉट। हम आज है नहीं है, आप हैं कल नहीं है, ये हाउस परमानेंट है, नो वन इज परमानेंट। लोकसभा में राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगते रहे और सामने बैठे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो सुनते रहे। कुल मिलाकर हंगामे से शुरू हुआ बजट सत्र हंगामे पर ही खत्म हो गया। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ और आप देख रहे हैं संसद में आज। आज बजट सत्र के दूसरे सेशन का आखिरी दिन था। बारी बारी से आपको दोनों सदनों का हाल बताते हैं। वैसे हाल क्या ही कहें, क्योंकि माननीय सांसदों ने पूरे सत्र में संसद को हंगामे और नारेबाजी के चलते बेहाल कर रखा था। आखिरी दिन लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामे के बीच बजट सत्र में हुए कामकाज का ब्यौरा दिया। सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठे थे। बाकी काम कितना हुआ ये तो हम सबको पता ही है, लेकिन जो हुआ जितना हुआ उसे जान लेते हैं। सत्रहवीं लोकसभा के 11वें सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं, जो 31 जनवरी 2023 को आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान हम 35 बैठ के जो लगभग 45 घंटे 55 मिनट तक चली, माननीय राष्ट्रपति जी ने 31-1-2023 को एक सभा समेत दोनों सभाओं के सदस्य अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 13 घंटे 44 मिनट तक चली, जो इस चर्चा में 143 सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा के अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाद विवाद का उत्तर दिया, सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय बजट 23-24 पर सामान्य चर्चा 14 घंटे 45 मिनट तक चली। वाद विवाद में 145 सदस्यों ने भाग लिया। वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों की वित्त वर्ष 23-24 के लिए अनुदान की मांगों सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च 2023 को स्वीकृत किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक पर पारित किया गया। उसके उपरांत सभा द्वारा वित्त विधेयक पारित किया गया। इस सत्र के दौरान 8 सरकारी विधेयक प्रस्तावित किए गए, 5 विधेयक पारित किए गए। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने सदन के सदस्यों के आचरण पर भी सवाल उठाए। सदन के अंदर जिस तरीके की गरिमा रहनी चाहिए और जो आपका आचरण व्यवहार है वह संसद के लिए, देश के लिए हितकारी नहीं है। सदन की उच्च कोटि की मर्यादा रही है, लेकिन आपका आचरण व्यवहार ठीक नहीं रहा है। सदन चर्चा संवाद के लिए मैं हर विषय पर चर्चा संवाद कराना चाहता हूं। आप बेल में आ रहे हैं, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस तरीके से सदन की गरिमा को गिराना कतई उचित नहीं है। आप हमेशा, मैंने आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है, देर रात तक सदन चला है, लेकिन ये आपका व्यवहार ये सदन के लिए और देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए उचित नहीं है। खैर, जब ओम बिरला बोल रहे थे तभी विपक्षी सांसद वेल में आकर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इस वक्त सामने पीएम मोदी बैठे थे। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में सम्बन्धित एजेंसियों और उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये सदन उच्च कोटि की मर्यादाओं का सदन रहा है। आप किसी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई को व्यवधान करते हैं, बाधित करते हैं, नियोजित
तरीके से बातचीत करते हैं, ये उचित नहीं है। इसके बाद सदन में वंदे मातरम का सामूहिक गान हुआ और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। अब बात राज्यसभा की, लेकिन उससे पहले पहले एक झलक विपक्ष की तिरंगा यात्रा की देख लेते हैं। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने विजय चौक पर तिरंगा मार्च किया। इस मार्च में मुद्दे वही थे जो मुद्दे सदन के भीतर थे। कुल मिलाकर संसद से लेकर सड़क तक अडानी पर जेपीसी की मांग की गई। लौटते राज्यसभा पर सुबह 11 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो माहौल थोड़ा बदला दिखा। बदला इसलिए क्योंकि आज इक्का दुक्का सांसदों को छोड़कर विपक्षी सांसद काले कपड़े की जगह सफ़ेद कपड़ों में दिखे। दिग्विजय सिंह काले कपड़ों में थे और इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने उनकी मौज भी ले ली। ऑनरेबल मेंबर्स, आई हैव रिसीव्ड सिक्स नोटिसेस। इट इज सच अ गुड साइट सर। दिग्विजय सिंह जी इज इन ब्लैक टुडे बट अदर्स आर नॉट। Against the mindset of these people, yes, sir, you have been singled out. White everywhere. इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसद आमने सामने आ गए। विपक्षी अडानी पर सरकार को घेर रहे थे जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाए जा रहे थे। जब नारेबाजी नहीं थमी तो सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। श्रीमती जेबी मथेर हासम टू डिस्कस द वरिंग ट्रेंड ऑफ डिक्लाइनिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द कंट्री। श्री संजय सिंह नॉट प्रेजेंट टू डिस्कस गवर्नमेंट रोल इन रॉन्ग डूइंग्स। सर मेंटेन ऑर्डर। The House stands adjourned to meet at 2 p.m. today. 2 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति धनखड़ ने कांग्रेस के निलंबित सांसद रजनी पाटिल पर प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट सदन में बताई। उन्होंने कहा कि प्रिविलेज कमेटी ने रजनी पाटिल के सस्पेंशन ऑर्डर को सही ठहराते हुए कहा है कि नियमों का उल्लंघन किया गया। उनका इस सत्र के बाद भी सस्पेंशन जारी रहेगा। रजनी पाटिल पर सदन की कार्यवाही का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप है। मामले की शिकायत बीजेपी ने सभापति से की थी और फिर पाटिल को इस सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। रजनी पाटिल ने अपनी सफाई में कहा था कि वो निर्दोष है। विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच ही सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की प्रोडक्टिविटी को लेकर रिपोर्ट पढ़ी और इसके बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान हुआ और फिर सदन की कार्यवाही यहां भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। यही थी आज की और इस पूरे सत्र की कहानी, हंगामे और बवाल से परिपूर्ण। खैर, संसद का ये सत्र डिटेल में समझना चाहते हैं तो आज का दी लल्लन टॉप शो जरूर देखें। आपको ये पता चलेगा कि आपके माननीय सांसदों ने कितना काम इस बार किया है। शो आपके लिए लिखा था हमारे साथी अंशुल ने। अब आपसे मुलाकात होगी तब जब संसद का अगला सत्र शुरू होगा। उम्मीद करते हैं उसमें कुछ काम धाम हो और हम भी आपको कुछ ढंग का बता सकें। तब तक के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।